नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी डिश है चिकन शोले कबाब। आज स्टार्टर आप इसे खा सकते हो। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें लगता है बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको धो लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। एक स्पून मैदा, एक स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें डालना है, आधा टीस्पून हल्दी, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक एग और नींबू का रस, आधे नींबू का रस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कलर आने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। और इसको मैरिनेट करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। और उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, नमक और धनिया पाउडर आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 3 घंटे के बाद हमारा चिकन मैरिनेट होके तैयार है। अब उसको फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। यहाँ पे मैं सब बोनलेस पीस इसमें डाल दूँगी। इसको फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। फूड कलर से बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको चेक करना है चिकन पीस पका कि नहीं, तो अभी हम निकाल लेंगे। और इस तरह से पूरे पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरे पीस फ्राई कर लिए हैं। अब एक तवे पे थोड़ा तेल डालेंगे 2 चम्मच, और तेल गरम होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। और फिर उसमें डालना है दही। गैस बंद करके दही डालना है, नहीं तो दही फट जाएगा। और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसको डालना है चिकन, और चिकन को दही से अच्छे से मैरिनेट करने लेना है 5 मिनट के लिए। और फिर गैस शुरू करना है, और जब तक दही पूरा सूख जाए तब तक इसको चलाते रहना है। इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पे चिकन ड्राई हो गया है। इसमें डाल देंगे करी लीव्स, फ्राइड करी लीव्स और मिर्ची, ग्रीन चिली। ये हमारा चिकन खाने के लिए एकदम रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।